हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मधुआ। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कहानी, आइए सुनते हैं। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए अंधेरे में बोतल उड़ेलने गया था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन ठीक 7 दिन से एक बूंद नहीं पी। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला, वह रात को दोपहर में कभी कभी सवेरे भी आता, अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब को मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी। यह भी सरकार, मौज बाहर की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मूछी पाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, तो इस मुँह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले में ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुँह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या बात कहने की है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी, पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा, फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, उस दिन जो तुमने गडरिये वाले की कहानी सुनाई थी, जिसमें आसू फदुल्ला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी, ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठटाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं, कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी, मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी, शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ, अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो ये बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँगने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका, लल्लू था
ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा, तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने दो ही लाते लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ रही थी। और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहे, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने को तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदें लुढ़क रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला गया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया, वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। फिर छिड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे कुछ खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमींदार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती कैसे? जमादार से कहने गया था, भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था, 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं नहीं, आलू मटर अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं? पहले तो 1 अद्धा ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का 1/2 लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा, नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी के गगरी से पानी उडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सोंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया कि पिटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहां से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्र की विभूति को देखा, और देखा
उस घुटनों से हड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आरे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना तो पड़ेगा। दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, नाम क्या है तेरा। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ। ओह, कहाँ बताऊं इससे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में ही जलता तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने में लगा, उजली धूप निकल आई थी, वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लेता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं। भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है, चलूं फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सर पड़ा, नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम तो चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा। कहीं नहीं। ये लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा। तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा, बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी।
वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का दो बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।